शुभ वास्तु में मैं रीटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम साउथ और साउथ वेस्ट के बालकनी के वास्तु के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप आपके घर या फिर कार्यस्थल का वास्तु मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वही ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें। दोस्तों, वास्तु के नियम के अनुसार घर में साउथ और साउथ वेस्ट की दिशाएं भारी और बंद होनी चाहिए। बालकनी यह मुख्यतः खुली हुई जगह होती है, जिससे इस जगह में हल्कापन भी होता है। बालकनी अगर घर के साउथ या साउथ वेस्ट की दिशा में होती है तो घर की यह दिशाएं हल्के और खुले हुए हो जाते हैं, जो वास्तु के नियमों के विपरीत है। आपके घर में अगर बालकनी साउथ या साउथ वेस्ट की दिशा में है तो ऐसे बालकनी में आपको भारीपन निर्माण करना चाहिए। जो भारी फर्नीचर बड़े और भारी गमले इत्यादि के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लोरिंग के अंदर लेड मेटल को डालकर भी इन दिशाओं में भारीपन निर्माण किया जा सकता है। बालकनी के वास्तु के बारे में और जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को देखें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वास्तु शास्त्र के ऐसे कई ज्ञान भरी बातों को अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।